नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवॉल्यूशन फार्मर पर। वीडियोस के माध्यम से समय समय पर मेरा यह कठिन प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक परंपरा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आप सबकी मदद की जा सके। अक्सर आप सब ने सुना होगा और नहीं सुना तो आज आप वीडियो में सुन लें कि घी यानी कि घृत जिसे संस्कृत में बोला जाता है, पशु के दूध से जिसको तैयार किया जा सकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत पाई जाती है ऐसा माना जाता है। हमारे हरियाणा में तो ऐसा माना जाता है कि यदि घी को सूखे पत्तों के ऊपर डाल दिया जाए तो वे भी किसी न किसी दिन हरे अवश्य हो जाएंगे, इतनी ताकत इस घी के अंदर मानी जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब वीडियोस में फोटोज देख सकते हैं साथ साथ में, यदि आपकी भैंस 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की गाभिन है, आप उसका पेट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से भरोसा कर सकें कि यह गाभिन है, और वे साथ साथ में ऐसा चिकना पदार्थ जैसा कि आप सबने फोटो में देखा, इस तरह का चिकना पदार्थ आपकी भैंस डालती है। इस चिकने पदार्थ की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होती है कि यह ना तो ज़्यादा पानी की तरह पतला होता है और ना ही यह दही की तरह गाढ़ा होता है, बल्कि जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वह मीडियम होती है। यह चिकना पदार्थ पशु के मूत्र मार्ग से निकलकर उसके बाद मूत्र मार्ग पर ही वापस चिपक जाता है, ज़मीन पर नहीं गिरता है। इस तरह का चिकना पदार्थ यदि आपका पशु डालता है गाभिन होने के बाद तो आप उस पर बिल्कुल भी शक ना करें, क्योंकि आपका पशु 100% गाभिन है। और जहाँ तक उसके पेट के आकार की बात है तो आपका पशु इस चिकने पदार्थ के माध्यम से यह बताना चाहता है, यह शो करना चाहता है, यह जता रहा है कि उसके अंदर गर्मी बन गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो पशुओं ने अंदर गर्मी महसूस की है, जिसके कारण उनके पेट में पल रहे, उनके गर्भ में पल रहे जो छोटे कटड़े बछड़े थे वे चिपक चुके हैं गर्भ से गर्मी के होने के कारण, और वे अपने मुंह में से कई बार इस तरह का चिकना पदार्थ रिलीज कर देते हैं गर्मी ज़्यादा होने के कारण। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने पशु को, जैसा कि आप सबने वीडियो शुरू होने से पहले देखा, हमने यहाँ पर अपनी भैंस को पतंजलि गाय का देसी घी दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भैंस को भैंस का घी देना काफ़ी ज़्यादा वैदिक परंपरा के अनुसार गलत माना जाता है, क्योंकि उसी वंशाणु का खून, उसी वंशाणु के खून में पुनः प्रवाहित करने पर किसी प्रकार का लाभ नहीं देता। यदि आप भैंस को भैंस का घी देते हैं तो उतना ज़्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप 5 kg की बजाय 1 kg उसमें देसी गाय का घी अपनी भैंस को दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ताकत जो देसी गाय के अंदर पाई जाती है वह भैंस के अंदर प्रवाहित हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप भैंस के लिए देसी गाय का घी प्रयोग करें, और फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको चाहिए कि आप अपनी भैंस के लिए दूसरी भैंस का घी प्रयोग करें, और दूसरी भैंस के लिए आपकी भैंस का घी प्रयोग करें। इस तरीके से यदि गाय को घी देना है तो आप उसके लिए भैंस का घी प्रयोग करें। तो यदि आप अपने पशु को इस तरीके से नियमित तौर पर 4 दिन में 5 दिन में एक बार 250 ग्राम घी दे देते हैं तो आपका पशु बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पशु को 1 से 2 kg घी तक खिला सकते हैं, इससे आपके पशु के अंदर जो गर्मी थी वह ख़त्म हो जाएगी। आपका पशु के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा था, जो कटड़ा बछड़ा था, जो चिपक गया था अपनी माँ के गर्भ से गर्मी होने के कारण, वह पुनः अपना आकार लेने लग जाएगा, उसका साइज बड़ा होने लग जाएगा। आपकी भैंस का पेट पहले की तुलना में काफ़ी विकसित होने लग जाएगा, पशु के शरीर में चमक आनी शुरू हो जाएगी, जो पशु शरीर से बिल्कुल चिपक गया था वह भी पुनः सही हो जाएगा। यदि आपकी भैंस दूध कम दे रही थी तो उसके दूध देने की समस्या भी दूर हो जाएगी, वह अच्छे तरीके से दूध देने लग जाएगी, आपके पशु के अंदर शांत स्वभाव आएगा, उसके दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की समस्याएं आप अपने पशु को घी के द्वारा सही कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस जानकारी को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने किसानों, पशुपालक भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सबको इस समस्या से निजात मिल सके, क्योंकि अक्सर पशु के गर्भ को लेकर जब हम विचलित हो जाते हैं तो कई बार हड़बड़ाहट में हम अपने पशु को हाथ डलवा करके डॉक्टर के द्वारा चेक करवाते हैं, जिसके कारण पशु कई बार गर्भपात भी कर जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा रिस्पांस आपने इस चैनल को दिया है, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक किया है। वीडियो पसंद आते ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।